जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो टीसीएस रहेगा। नतीजे उम्मीद से थोड़े बेहतर आ गए, हालांकि कमेंट्री थोड़ी कॉशियस थी, लेकिन मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आ गया है और ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि अगर नतीजा आपका कम से कम 6 से 8 महीना है, तो मुझे लग रहा है कि 3950-4000 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ऑलरेडी मैनेजमेंट ने कहा है कि 17000 करोड़ वो बायबैक के लिए स्पेंड करेगी और करीबन 4150 का बायबैक प्राइस है। तो नियर टर्म में तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट वाली बात रहेगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ जो है वो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ से काफी अच्छा होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 3650-3700 के बीच में अगर मिलता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपका बैठ सकता है। और अनिल जी, दूसरा जो स्टॉक है जो इन्वेस्टमेंट कॉल है जो मुझे पसंद है और जो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर और विंड पावर से कनेक्टेड है, उस कंपनी का नाम है रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग। ये हाल ही में लिस्टेड वाली कंपनी है, 98 रुपीज में आईपीओ आया था। इस कंपनी की अगर हम फिनेंशियल्स की बात करें तो पिछले साल करीबन 480 करोड़ पे 25 करोड़ का प्रॉफिट आया। इस साल हमारी कंपनी से बात हुई है और एनालिसिस करने के बाद हमको लग रहा है कि कम से कम 35 से 40 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा और अगले साल दैट इज FY25 के लिए कम से कम 50 से 55 करोड़ की प्रॉफिट आएगी और वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि कोई करता है तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करीबन 205-210 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली मिल सकता है। तो ये एक अच्छा विकल्प है जो 6 to 12 months के नजरिए से कोई खरीदना चाहे। बिल्कुल, देखिए नतीजे तो फ्लैट आ गए हैं, लेकिन जो डेल्टा कॉर्प है इनके लिए जो सबसे बड़ा क्वार्टर होता है वो तीसरा क्वार्टर होता है। तो मेरे ख्याल से जो फेस्टिव क्वार्टर है वहां पे उम्मीद है कि कंपनी नंबर्स काफी अच्छे रिकॉर्ड करेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, ज्यादातर ऑलरेडी प्राइस में काफी बड़ा करेक्शन ऊपरी लेवल से हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट्स के कारण और कुछ ज्यादा पिटाई होगी। बट हाँ, मेरे ख्याल से क्लियरली अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है तो मुझे खरीदने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तीसरी क्वार्टर जो आएगी अक्टूबर टू दिसंबर, इसमें अच्छी खासी कमाई और अच्छी खासी रिजल्ट्स और नंबर्स आने की उम्मीद है। क्लियरली दिसंबर तो इनके लिए बहुत बड़ा बंपर महीना होता है, तो आई थिंक बाय ऑन डिक्लाइन अभी भी मैं कहूंगा। और जीएसटी की केस के बारे में मैं यही कहूंगा कि ये अभी कंटेस्ट होगी, इसका असर मुझे नहीं लगता है अभी ज्यादातर शेयर में होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज मार्केट ने पार्टली और मेरे ख्याल से मोर ऑर लेस प्राइस में डिस्कवर कर लिए। तो मेरे ख्याल से होल्ड की राय रहेगी और जिनको खरीदना है, थोड़ा सा अगर स्टॉक गिरता है तो खरीदने के मौके समय तो देखिएगा। मुझे लग रहा है कि ईवी पे इन्होंने पंप्स पे इन्होंने बहुत काम किया है और मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द वो अपने प्रोडक्ट्स भी वाया उनकी सब्सिडरी लॉन्च करेंगे। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि देखिए, ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर सोलर पंप्स है वहाँ पे तो वो काफी बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली ऑर्डर बुक भी इनकी काफी अच्छी है, बट मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में अगर ये उतरते हैं और होपफुली अगर यहाँ से इनको रेवेन्यू और बिजनेस का ट्रैक्शन मिलता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में शायद ये पॉइंट से स्टॉक में थोड़ी सी और रीरेटिंग आने की संभावना रहेगी। डेफिनेटली इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड प्लेयर है और प्रॉफिटेबिलिटी भी हर क्वार्टर हमने देखा है कि लगातार थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम है, क्योंकि तब तक मेरे ख्याल से ये ईवी प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी भी मोर ऑर लेस मार्केट को समझ में आएगी, रेवेन्यू भी आएगा और उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो ऑलरेडी जो इनके कोर बिजनेस के टू व्हीलर के नंबर है वो तो काफी अच्छे आ रहे हैं, प्लस अगर ईवी में इनको वही ट्रैक्शन मिलता है तो डेफिनेटली ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी बढ़िया है। बट देखिए, प्राइस भी काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है। हमारा मानना है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, थोड़ा सा अगर स्टॉक करेक्ट होता है दीपांशु तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा बैठेगा। क्लियरली हमको लग रहा है कि टू व्हीलर स्पेस में आपको बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ईवी को लेकर काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो हीरो मोटर कॉर्प में तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि काफी समय तक स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो क्लियरली और पैकिंग ऑर्डर विल बी हीरो मोटर कॉर्प और उसके बाद हम टीवीएस मोटर्स बाय ऑन डिक्लाइन की सजेशन देंगे। देखिए, वर्ल्ड कप का जो 45 डेज का जो इवेंट है वहां पे तो हमको लग रहा है कि बिजनेस सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, बंपर परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। ओवरऑल स्विगी का जो उनके जो मोबाइल कैरियर्स है उनकी स्ट्राइक के कारण थोड़ी बहुत और इंक्रीमेंटल वॉल्यूम इनको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक ऐसा बिजनेस है जो बेसिकली सेकुलर ग्रोथ पाथ पे है। हम सारे जानते हैं कि जो मेट्रोज और सिटीज में काम करते हैं वहां पे आजकल जोमैटो एक बहुत नेसेसिटी की चीज बनी है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली नंबर्स में ये झलकेगा, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर
किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो ऑब्वियसली यू नो तीसरी तिमाही इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बट ओवरऑल अगर साल डेढ़ साल या दो साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें एक निवेश बन सकता है। लॉन्गर टर्म के लिए ऐसे कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है, स्विगी और जोमैटो ही है, तो डेफिनेटली ये मार्केट काफी बड़ा है और यू नो प्रेजेंस सिर्फ दो प्लेयर्स का है, तो इसका भी फायदा जोमैटो को जरूर मिलेगा, तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में वैल्यू क्रिएशन बनेगी। मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो मिले जुले रहेंगे लेकिन जो कमेंट्री रहेगी इंफोसिस की और एक्सेल टेक की मैनेजमेंट की वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मेरे ख्याल से एट्रिशन पे कितना परसेंटेज आया है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, और ओवरऑल यू नो डॉलर गाइडेंस जो होगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मेरे ख्याल से नंबर्स मोटा मोटी आई थिंक इन लाइन ही आने वाले, कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा ऐसा लगता नहीं है, बट जो बेसिकली कमेंट्री और गाइडेंस रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आई थिंक नंबर्स आने के बाद ही दीपांशु एक अच्छा व्यू पॉइंट बन सकता है, बट तब तक जिनके पास है वो होल्ड करे। लग तो नहीं रहा है कि नंबर्स बहुत ही खराब आएंगे लेकिन बहुत अच्छे भी आएंगे ऐसा लग नहीं रहा है, तो मोटा मोटी मिले जुले नंबर्स लेकिन कॉमेंट्री विल बी मोर इम्पोर्टेंट। अनिल जी 10 की कमाई में हमारा जो ऑल टाइम फेवरेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा 1520 प्राइस चल रहा है, मुझे लग रहा है कि दूसरे तिमाही के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग आएंगे और मैनेजमेंट कमेंट्री ने कहा है कि सेकंड हाफ में जो एग्री सेल्स यानी कि ट्रैक्टर सेल्स का जो नंबर है उनका अनुमान है कि कम से कम 10-12% की वॉल्यूम ग्रोथ उनको मिलेगी। ओवरऑल सारे बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनफैक्ट हम आईटी को अगर छोड़ दे तो ऑटो कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक एज वेल एज उनका कोर ऑटो बिजनेस में तो कामकाज बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर 12 से 15 महीने की अवधि है तो 1700 रुपये का टारगेट के लिए इसको कोई भी डिक्लाइन में खरीदना चाहिए। इवन करंट लेवल पर अगर कोई खरीदना चाहे तो टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छी खासी कमाई 1700 इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स।